हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे इतिहास की और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का आप चित्र देख रहे हैं प्यारे दोस्तों सामने। और देखिए, इसके कई सारे स्थलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, और आज हम चलते हैं राजस्थान की तरफ और राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़े। देखिए, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्या क्या देखा था पिछली क्लास में हमने, वो थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ आपको। देखिएगा, पिछली क्लास का करवा देता हूँ। चलिए पहले साथी, हमने देखा था चहुदड़ो। चहुदड़ो में बात की थी, एक कहानी के माध्यम से हमने देखा था, नानी गोपाल ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? नानी गोपाल या एन जी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज 1931 में कर दी गई थी। कौन सी? चहुदड़ो की। किसके पैर दोस्तों? चहुदड़ो की खोज कर दी थी। अर्नेस्ट मैके ने इसको क्या किया था? उत्खनन करवाने का कार्य किया था 1935 ईस्वी में। औद्योगिक नगर था, मन के बनाने का कारखाना था। इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई थी सेठ जी के पास। देखिए, और इसकी कहानी एक सुनी थी हमने, साई की दवात मिली, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, यहाँ से हाथी का खिलौना मिला, और उसके बाद दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले यहाँ से। क्या प्यारे दोस्त, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हमें। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिले, जोकर जाकर संस्कृति कहते हैं इसे, और क्या कहा जाता है इसे। इसके बाद देखे हम लोतल सभ्यता। किसकी बात करें प्यारे दोस्तों? लोतल सभ्यता। लोतल सभ्यता की रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, भोगुआ नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक कहा जाता है कि कौन सा? औद्योगिक नगर कहलाता था प्यारे दोस्तों। और बात करें, बात क्या करते हैं, यहाँ से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले। किसके? चावल के साक्ष्य मिले, बाजरे के साक्ष्य मिले। लोथल भी औद्योगिक नगर था, मैंने अभी बताया आपको, लोथल भी क्या था? औद्योगिक नगर था। इसके पश्चात बाजरा पीसने की चक्की, यानी कि वो घट्टी, घट्टी कहते हैं गाँव में, घट्टी कहते हैं अपने हाड़ौती में, घट्टी कहते हैं। और घट्टी के पार्ट भी मिले यहाँ से। क्या मिले भाई? घट्टी के पार्ट मिले, नाप तोल के पैमाने मिले। और बात करें, हाथी दांत के पैमाने। किसके? हाथी के दांत से बने हुए पैमाने मिले हैं। अर्थात ये एक क्या था? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी भाई? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार किया जाता था, मन के बनाने का कारखाना मिला, बंदर का मिला, डॉक यार्ड जिसके बारे में कहा है, यहाँ से 4 या 5 नावों के अवशेष मिले। नाव मिली कितनी? 5 नाव मिली, कई जगह 4 भी मिली है। 4 या 5 नाव के साक्ष्य हमें मिलते हैं यहाँ से, 4-5 नाव के साक्ष्य। कई जगह 4 मिलता है आपको, कई जगह 5 भी मिलता है, ज्यादातर 4 मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये डॉक यार्ड है, और ये शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। समुद्री देवी चिकोत्री की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या? चिकोत्री देवी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरा का पूरा लोथल का डॉक यार्ड या बंदरगाह, एक नाव ये चल रही है, एक ये चल रही है, एक ये चल रही है, इस तरीके से यहाँ तो बहुत सारी दिखाई गई है, लेकिन 4 नावों के साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, लोथल की 3 ओर से पानी से घिरा हुआ नगर था। पाल वाले जहाज चला करते थे, ये देख रहे हैं, पाल वाले जहाज या नाव चला करती थी। क्या? पाल वाले जहाज या नाव चला करती थी। क्या चला करते थे भाई? पाल वाले जहाज या नाव चला करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। और क्या क्या? 3 युग्म समाधान मिले, अर्थात एक साथ पति पत्नी को दफनाया गया है, ये युग्म समाधान मिले। यहाँ से कोवा के साक्ष्य मिले, लोहड़ी के साक्ष्य मिले, हवर के साक्ष्य मिले, याग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त कर ली थी भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो चलते हैं प्यारे साथियों, और वो देखने जा रहे हैं हम, इसको इसकी बात करने जा रहे हैं भाई। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, वो करने जा रहे हैं सभ्यता की। देखिएगा, हम जो बात करने जा रहे हैं कालीबंगा की बात करने जा रहे हैं भाई। एक इसका स्थल है कालीबंगा। कौन सा स्थल भाई? कालीबंगा सभ्यता। कौन सा सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। कौन से स्थल की बात करने जा रहे हैं? कालीबंगा की। देखिए, कालीबंगा की बात करें तो यहाँ पर क्या जानकारी मिलती है हमें? सबसे पहले हम बात करते हैं, अब कालीबंगा में उतर गए तो ढंग से पढ़ेंगे भाई। चलिए देखिए, यह अपना है, क्या है? राजस्थान है। और इस राजस्थान में हम देखिए, देखिएगा
ये अपना प्यारा सा राजस्थान, और इस प्यारा सा राजस्थान में प्यारे दोस्तों राजस्थान है। कहाँ पर है? ये भारत में है, भारत में ही है राजस्थान, ठीक है। और भारत में राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है गंगानगर जिला, तो इसके नीचे यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला प्यारे दोस्तों? ये गंगानगर जिला है। कौन सा? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। यहाँ पर है आपका हनुमानगढ़। कौन सा? अनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला भाई? हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। और देखिए क्या कंडीशन है प्यारे दोस्तों, कंडीशन ये है कि इसी के पास ही कहाँ पर, यहाँ पर बनी हुई है शिवालिक की पहाड़। कौन सी पहाड़ी है भाई? यहाँ पर क्या बनी हुई है भाई? यहाँ पर बनी हुई है अपनी शिवालिक की पहाड़ियाँ। क्या बनी हुई है? यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई है, पहाड़ियाँ, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। देखिएगा हम बात करने जा रहे हैं कौन सी नदी का भाई। एक नदी का उद्गम होता है यहाँ से, देखिएगा एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी को किस नाम से जानते हैं भाई? ये नदी इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। ये देखिए इस तरीके से एक नदी निकलती है, और यहाँ पर राजस्थान में होती हुई ये कहाँ से? इस शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये हरियाणा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी? शिवालिक। कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है प्यारे दोस्तों? हरियाणा में है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है आपके? कौन सी नदी है ये? यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम क्या है प्यारे साथियों? इस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? ये घग्गर नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और इस नदी के किनारे यहाँ पर एक सभ्यता विकसित होती है। सभ्यता विकसित होती है इस जगह पर, एक सभ्यता विकसित होती है वही, इस जगह पर एक सभ्यता विकसित होती है, और उस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? ये जो सभ्यता देख रहे हैं, इस सभ्यता को हम कहते हैं कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। कौन सी सभ्यता भाई? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्यारे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। ये यहाँ पर विकसित होती है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के तट पर। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के। ये कोई क्या है? ये राजस्थान का मैप है। किसका है ये पूरा? तो क्या है ये? राजस्थान है। और राजस्थान में कहाँ से? हनुमानगढ़ जिले से। और हनुमानगढ़ जिले में ये घग्गर नदी बह रही है, और इस नदी के किनारे से एक नदी, एक सभ्यता का उद्भव होता है, जिसे कृष्ण के नाम से जानते हैं हम। इस सभ्यता को किसके नाम से जानते हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता के नाम से। अब बात करने जा रहे हैं कालीबंगा, कालीबंगा जो शब्द है ये हिंदी भाषा, कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा या पंजाबी भाषा? पंजाबी भाषा का है। किस, कौन सी भाषा का है? पंजाबी भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा का शब्द है। इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ, कालीबंगा शब्द का अर्थ प्यारे दोस्तों, इसका काली बंगा, काली काली बंगा शब्द का अर्थ, अर्थ की बात करें इसकी, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है भाई? काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है प्यारे साथियों? इस शब्द का अर्थ होता है, कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। क्या अर्थ होता है भाई? काली चूड़ियां। इसकी खोज की बात करें, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने। किसने की भाई? अमलानंद घोष ने। 1900 कब की? 52 में की। कब की? 1952 में इसकी खोज की। इसका उत्खनन, क्या उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन जो करवाया प्यारे साथियों, इसका उत्खनन करवाया
बीबी बीबी लाल एंड बीके थापर ने, किसने, बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर ने 1961 में, कब करवाया, 1961 में, ये पहली बार फर्स्ट बार उत्खनन करवाया था। और सेकंड बार जो उत्खनन करवाया ये भी बीबी लाल बीके थापर ने करवाया, ये कब करवाया, 1969 में करवाया, ठीक है। में एमडी खरे और कौन थे इसके साथ, जगपति जोशी, जगपति जोशी ये भी इनके साथ ही थी भाई साहब। अब कहा जाता है तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कौन से स्थल की बात कर रहे हैं, कालीबंगा स्थल की बात कर रहे हैं। कालीबंगा शब्द का कौन सी भाषा का शब्द है, पंजाबी भाषा का शब्द है। ये कहां पर उत्खनित हुआ, ये हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के कौन से, कहां पर बात करें, राजस्थान, और राजस्थान के कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। कौन सी नदी की बात करें, तो नदी की बात करें प्यार दोस्तों, नदी के तट पर, नदी की बात करें तो घग्गर, घग्गर नदी, या इसको क्या कहते हैं, प्राचीन सरस्वती, सरस्वती इसी को क्या कहते हैं भाई, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर ये सभ्यता विकसित होती है। कौन सी सभ्यता भाई, कालीबंगा सभ्यता, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर ये विकसित होती है। इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहां तक की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए ये तो कालीबंगा हो गया, अब इसको किस किस नाम से, इसकी खोज भी देख ली, उत्खनन भी देख लिया आपने, इसके उपनाम की बात करें, किसकी उपनाम, उपनाम क्या क्या मिलते हैं भाई, या अन्य नाम जो है प्यारे दोस्तों। सर्वप्रथम तो पहले सर्वप्रथम इसकी जानकारी, एक नोट लगा कर लिख लेना, सर्वप्रथम इस स्थल की जानकारी, इस स्थल की जानकारी, इस स्थल की जानकारी किसके द्वारा, एल पी टेसे टरी के द्वारा दी गई, टेसे टरी के द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई भी, सर्वप्रथम जो इसकी इस स्थल की जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी भाई, एल पी टेसे टरी के द्वारा दी गई थी, ठीक है, लुइस टेसेटरी के द्वारा दी गई थी सर्वप्रथम इस स्थल की जानकारी। और बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसके उपनामों की बात करें, किसकी बात करें, उप नाम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, उपनाम की बात करें, तो इसके उपनाम क्या क्या मिलते हैं, एक तो देखिएगा इसके उपनाम मिलते हैं प्यारे दोस्तों हमें, एक तो मिलता है हमें क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, कौन सी सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता को किस किस नामों से जाना जाता है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। देखिएगा क्या क्या नाम मिलता है इसको, इसको कहा जाता है क्या, कहा जाता है भाई कांस्य युगीन सभ्यता, कहा से कहा जाता, ताम्र कांस्य युगीन, कौन सी, ताम्र कांस्य, ताम्र कांस्य युगीन, युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे तीन हीनों की बस्ती कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे दीन हीनों की बस्ती कहा जाता है, और क्या कहें, और क्या कहा जाता है इसे, इसे साक्षर सभ्यता भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साक्षर सभ्यता भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, साक्षर सभ्यता भी कहा जाता है, और क्या नाम दें इसको, इसे संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कारक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहु 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 धान्य दायक, या बहु धान्य कारक, क्या कहा जाता है भाई, बहुधान्य कारक कहाँ कहा जाता है इसको, संस्कृत साहित्य में कहाँ कहा जाता है, संस्कृत, संस्कृत साहित्य में कहाँ कहा जाता है इसको, संस्कृत साहित्य में कहा जाता है, संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को क्या कहा जाता है, बहुधान्यदायक, बहुधान्यदायक या बहुधान्य कारक भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, और क्या नाम लिखते हैं इसको,
इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है। क्या? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा और एक और थे पिग्गट महोदय, पिग्गट ने कहा। इसने कहा भाई इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन कौन से विद्वानों के द्वारा कहा गया वो हमें जानकारी रहनी चाहिए। को किसने किसने कहा हड़प्पा की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा और पिग्गट के द्वारा कहा गया, ये विशेष रूप से विकट महोदय ने इसको क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहकर संबोधित किया। कौन सी सभ्यता को? हमारी कालीबंगा सभ्यता को। ये सारे नाम किसके मिलते हैं हमें? कालीबंगा सभ्यता के, ये तीनों नाम या चारों नाम जो भी है ये सारे नाम देखने को मिलते हैं। दीन इनों की बस्ती कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मकान कच्ची ईंटों के बने मिले हैं, इस कारण इसे गरीब सभ्यता या दीनहीनों की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गरीब सभ्यता या दीनहीनों की बस्ती भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको प्यारे दोस्तों। इस सारे नाम में से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है आपको, आपके लिए कोई सा भी नाम आ सकता है और आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या नाम से जानते हैं। और देखिए एक और नाम लें तो इसका नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको? चलिएगा प्यारे साथियों इसे और क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नगरीय सभ्यता भी इसे कहते हैं। ये सारे नाम किसके मिलते हैं हमें? इस कालीबंगा सभ्यता के सारे नाम देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, आगे की बात करें तो यहां पर जो जानकारी मिलती है नगरीय सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी भाई? नगरीय सभ्यता। इस कौन सी? नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता थी ये, कौन सी थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता थी तो इसके नगर किसकी बात करें प्यारे दोस्तों? नगर नियोजन की बात करें, नगर नियोजन की, नगर नियोजन की बात करें तो ये जो नगर है प्यारे दोस्तों इसके नगर दो भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे भाई? दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन से? एक तो बात करें हड़प्पा के समान ही नगर मिले भाई यहाँ से, तो एक तो कौन सा? एक तो पश्चिमी टीला। कौन सा? एक पश्चिमी टीला। कौन सा प्यारे दोस्तों? एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। कौन सा? एक पूर्वी टीला। क्या? एक तो पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। ये कहाँ से मिलते हैं? इससे इसमें संभ्रांत वर्ग निवास करता था। कौन सा? इसमें संभ्रांत वर्ग वर्ग निवास करता था। क्यों? कौन करता था भाई? संभ्रांत वर्ग या फिर कहें प्रशासनिक वर्ग। कौन सा? प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था। कौन सा वर्ग निवास किया करता था भाई? यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था और यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। यहाँ पर कौन निवास करते थे? सामान्य सामान्य जनता निवास किया करती थी। कौन निवास किया करता था भाई? यहाँ पर सामान्य जनता निवास किया करती थी। यहाँ प्रभांत वर्ग, संभ्रांत वर्ग और यहाँ पर प्रशासनिक, ठीक है। ये उच्च टीला कहलाता था। क्या? ये उच्च टीला कहलाता था, ठीक है। ये निम्न टीला भी कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? ये निम्न टीला कहलाता था। क्या कहलाता था? ये निम्न टीला कहलाता था, याद रह जाएगा। नगर नियोजन की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में दो प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं। नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता कौन कौन सी? नगर सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। किसकी बात करते हैं? नगरीय सभ्यता कौन सी? ये कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा के बारे में बात करें। नगरीय सभ्यता कौन है? कालीबंगा। कौन सी प्यारे दोस्तों? कालीबंगा। इसकी बात करें हम, कालीबंगा सभ्यता की बात करें और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो दो प्रकार के नगर नियोजन थे, दो प्रकार थे नगर के, दो प्रकार थे। वो कौन कौन से? एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। तो ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी कि एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। आगे चलकर बात करें प्यारे दोस्तों तो इसे निम्न टीला इसे क्या कहा जाता है, और पूर्वी टीला कहा, सामान्य टीला सामान्य जनता निवास किया करती थी। और बात करें देखिएगा
किस प्रकार से यहाँ पर, और नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन की देखे तो पहले दोस्तों यहाँ पर क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है वो देखें। यहाँ पर देखिएगा, देखिए इस तरीके से एक नदी निकली हुई है ये, ठीक है, ये नदी निकल रही है भाई, ये क्या निकल रही है यहां से, ये नदी निकलती है आपकी, कौन सी नदी भाई, ये आपकी नदी है कौन सी, ये आपकी घग्गर नदी है, कौन सी नदी है इसमें पानी बह रहा है, ये कौन सी नदी भाई, ये घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी में ये पानी बह रहा है, क्या बह रहा है दोस्तों। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कौन से टीले की बात कर रहे हैं भाई, एक तरफ हम पूर्वी टीले की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम पश्चिमी टीले की बात कर रहे हैं, कौन से टीले की, एक तरफ पूर्वी टीले की एक पश्चिमी टीले, ये वाला हो जाएगा आपका पूर्व पश्चिमी टीला, कौन सा टीला हो जाएगा भाई, ये वाला जो भाग है ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, पश्चिमी टीला। देखिएगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका पश्चिमी टीला। तो इसमें कौन कौन निवास करेगा, एक तो प्रशासनिक वर्ग, कौन सा, इसे क्या कहेंगे भाई, पश्चिमी टीला, कौन सा, पश्चिमी टीला, कौन सा कहेंगे, पश्चिमी टीला, इसमें कौन सा निवास करेंगे, प्रशासनिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग निवास करेगा, कौन निवास करेगा भाई, प्रशासनिक वर्ग निवास करेगा। और यहाँ पर क्या बने होंगे, यहाँ पर जो भी, या सम्रांत वर्ग भी कह सकते हैं इसको, सम्रांत वर्ग निवास करेगा, कौन निवास करेंगे, सम्रांत वर्ग निवास करेगा। इधर ये पूर्वी टीला, ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी टीला, और यहाँ पूर्वी टीला की बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कौन निवास करेंगे, सामान्य जनता निवास करेगी, यहाँ पर कौन निवास करेगी, सामान्य जनता, कौन निवास करेगा भाई, सामान्य जनता निवास करेगी, ठीक है। तो ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, और ये घग्गर नदी, कौन सी नदी है, घग्गर नदी, कौन सी नदी है भाई, घग्गर नदी ना, घग्गर नदी है, और घग्गर नदी में ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला है, सॉरी ये पश्चिमी टीला वो पूर्वी टीला है, यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करेगा, कौन सा वर्ग निवास करेगा भाई, यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करेगा। और प्रशासनिक वर्ग की बात करें पहले दोस्तों, तो देखिएगा क्या कंडीशन होगी, प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर इस पूर्वी टीले पश्चिमी टीले पर निवास करेगा। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो सड़कें किस समकोण पर काटती थी, क्या सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी प्यारे दोस्तों, किस पर काटती थी, ये सड़कें जो होती यहाँ पर समकोण पर काटती थी, सड़क समकोण पर काटती थी, ठीक है। और ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, ये कौन सी, ये मुख्य सड़क, कौन सी, ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, सारी मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़कें हैं, ये मुख्य सड़क है, इधर इधर भी मुख्य सड़क है ना, और यहाँ पर गलियाँ बनी हुई थी भाई, गलियाँ, और ये गलियों के मकान बने होंगे अंदर, ये गलियों में मकान होंगे, ये मकान बने हुए गलियों के अंदर, तरीके से मकान होंगे गलियों के अंदर। और इन गलियों की बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, कि सिचुएशन ऐसी देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों, इसमें जो मकान है इन मकान के दरवाजे गलियों में खुलते थे, मकानों के दरवाजे किधर खुलते थे भाई, मकानों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे, ठीक है। ये मकान बन जाएंगे और मकानों के दरवाजे किधर खुला करते थे, ये मकान बन गए और इन मकानों के दरवाजे किधर खुलेंगे भाई, गलियों में खुला करते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलियों में खुला करते थे। अब बात करें तो मकानों के दरवाजे किधर खुलते थे भाई, यहाँ पर मकानों के दरवाजे ये जो देख रहे हैं, ये दरवाजे गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। मकानों के दरवाजे कहाँ खुलेंगे,
गलियों में खुलते थे, गलियों में आमने सामने खुलते थे, अर्थात ये दरवाजे बने हुए हैं मकानों के, ये मकान और इसके दरवाजे कहाँ बने हुए भाई, ये गलियों में खुलते थे। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, ये सीधी सी ध्यान रखना है आपको। कहाँ खुलते थे, ये गलियों में खुला करते थे, ये मकान समकोण पर काटती थी ये सड़कें, और सड़कें समकोण पर काटने के पश्चात मेरे दोस्तों क्या सिचुएशन होती है, इस तरीके का आपका क्या बना होता है, पूरा का पूरा हड़प्पा का नगर बसा हुआ था, सॉरी कालीबंगा का नगर बसा हुआ था। इससे इस सड़क पद्धति को क्या कहते हैं, हमने पहले भी बात कर ली इस सड़क पद्धति को, और सड़क पद्धति को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, इस सड़क पद्धति को हम कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस सड़क पद्धति को हम ऑक्सफोर्ड पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, इस सड़क पद्धति को क्या कहेंगे, इस सड़क पद्धति को, सड़क पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहेंगे। जाल पद्धति कहेंगे। इस सड़क पद्धति को जाल पद्धति कहेंगे, और क्या कहेंगे, ग्रीड पद्धति भी इसे कहकर संबोधित करेंगे। अब यहाँ पर जो शमशान घाट हुआ करते थे प्यारे दोस्तों, दक्षिण में हुआ करते थे। शमशान घाट की बात करें, शमशान घाट कहाँ हुआ करते थे, शमशान घाट जो हुआ करते थे वो दक्षिण में हुआ करते थे। कौन सी दिशा में हुआ करते थे, दक्षिण में हुआ करते थे। कहाँ पर हुआ करते थे भाई, दक्षिण में हुआ करते थे। और यहाँ से क्या क्या जानकारी मिले हैं, यहाँ पर एक परकोटा मिला है, परकोटे के बाहर, कहाँ पर प्यारे दोस्तों, परकोटे के बाहर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। किसके जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, के प्रमाण मिले हैं हमें, किसके प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले प्यारे साथियों। और बात करें, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है, और क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर कृषि की जानकारी मिलती है, और कृषि की जानकारी मिलती है, कृषि में ये क्या करते थे, जो करते थे, तो जो और गेहूँ की जानकारी मिलती है यहाँ से। किसकी जानकारी मिलती है, जो और गेहूँ की जानकारी मिलती है, और कपास की जानकारी भी मिलती है यहाँ। कपास को ये सिंडन कहा करते थे, क्या कहा करते थे भाई, सिंडन कहा करते थे। कपास को क्या कहते थे, ये सिंडन कहकर संबोधित किया करते थे। कपास को क्या कहते थे, ये सिंडन कहा करते थे। कृषि में जो करते थे, गेहूं करते थे, खाद्य के रूप में किसके प्रयोग में लेते थे, जो और कपास को प्रयोग में लिया जाता था। यहाँ से हमें हल्की लाइनों की जानकारी प्राप्त हुई है। और देखिए, तो यहाँ से हमें किसकी जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ से हमें क्या मिले, हवन कुंड, एक साथ सात हवन कुंड मिले। कितने, सात हवन कुंड मिले। कितने मिले भाई, सात हवन कुंड मिले एक साथ। ये देखिए, ये अग्नि प्रज्वलित हुआ करती थी इसमें, और कितने, सात अग्निवेदिकाएं मिली है। कितने मिली है, सात अग्निवेदिकाएं मिली है, एक साथ सात अग्निवेदिकाएं मिली। कितने मिली है, सात अग्निकुंड मिले। क्या मिले हैं, सात अग्निकुंड मिले हैं, या सात हवन कुंड मिले हैं। कहाँ से भाई, ये कालीबंगा से, सात हवन कुंड मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं, ये कालीबंगा। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम, कालीबंगा। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या मिले हैं, ये नगर नियोजन पूरा का पूरा इस प्रकार से हुआ करता था। और यहाँ पर जो जानकारी मिलती है, यह अग्निकुंड की जानकारी या हवन कुंड की जानकारी मिलती है। यहाँ पर शमशान दक्षिण में हुआ करते थे, यहाँ पर हमें कब्रें मिली, यहाँ के लोगों को दफनाते थे, क्या करते थे, ये मरने के बाद लोगों को दफनाते थे, क्या करते थे, दफनाते थे। अर्थात यहाँ से आयताकार कब्रें मिली है, यहाँ से वर्गाकार कब्रें मिली है, और यहाँ से गोलाकार कब्रें मिली है, यहाँ से युग्म समाधि मिली है। क्या मिली है, युग्म समाधि भी मिली है। क्या मिली है, युग्म समाधि भी हमें मिली है।
यहां से आयताकार मिली है, आयताकार में इस तरीके से एक व्यक्ति बना हुआ है, ये आयताकार भी यहां से इस तरीके से गोवर्गाकार और गोलाकार कब्र भी यहां से मिली हमने। यहाँ के लोग दफनाते थे, यहाँ की कब्र आयताकार मिली है, वर्गाकार मिली है और गोलाकार मिली है, और युग में समाधि के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई, इस कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते प्यारे दोस्तों, हमें कालीबंगा सभ्यता से ये सारे साक्ष्य प्राप्त होते। और बात करें तो ये सारी जानकारी इसे पूर्वी टीला पर ये सारी जानकारी मिलती है, और इस प्रकार से हमें सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट बात करें प्यारे दोस्तों, तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है यहाँ से, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन कुंड के यहाँ से एक घर से, कितने एक घर से, एक घर से, एक घर से सात हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन कुंड या अग्निवेदिका है, हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले भाई? हवन कुंड मिले हैं। कितने मिले भाई? हवन कुंड मिले हैं। और बात करें यहां से प्रति प्रति तीसरे घर से, तीसरे घर से, तीसरे घर से क्या मिले हमें? कुएं मिले, गोल कुएं। कौन से? गोल कुएं मिले हैं, गोल कुएं के साक्ष्य मिले हैं, जो पानी कुएं के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले भाई? हाँ, हमें प्रत्येक तीसरे घर से गोल कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें जुते हुए खेते के प्रमाण मिले। क्या मिले? जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, खेतों के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले भाई? जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले भाई? यहाँ से, कहाँ से? कालीबंगा से। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? कालीबंगा की। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं भाई? कालीबंगा की। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और बात करें और क्या मिला है यहाँ से हमें, यहाँ से नाचते हुए पक्षी का प्रतिमा मिली है, नाचते नाचते हुए हुए पक्षी, नाचते हुए पक्षी की प्रतिमा मिली है। प्रतिमा या मृण मूर्ति की, मृण मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति मिली है। क्या मिली है भाई? मृण मूर्ति मिली है, मिली है। यहाँ से हमें ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ से ऊंट, ऊंट पालने की जानकारी मिली है, ऊंट पालने की जानकारी भी मिली है, ऊंट पालने की जानकारी मिली है। क्या मिली है भाई? ऊंट पालने की जानकारी मिली है। क्या मिली है हमें? यहाँ से ऊंट पालने की जानकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस सभ्यता का उत्पतन माना जा, इस सभ्यता से हमें और क्या मिला है प्यारे दोस्तों? यहाँ से लाल काले लाल लाल मृद भांड मिले। क्या मिले हैं? लाल मृद भांड मिले, लाल मृद भांड मिले हैं, मिले हैं, जिस पर जिस पर जिस पर काले काले व सफेद, कौन से? काले व सफेद रंग के चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई? यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक मृदभांड मिलता है। क्या मिलता है भाई? मृदभांड मिलता है। कौन सा मृदभांड मिलता है? यहाँ से ये देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो है ये मृदभांड मिलता है हमें देखने का, कैसे बनाते हैं मृदभांड। कौन से कलर का? लाल कलर का। अर्थात यहां से इस तरीके का भाई मृदभांड प्राप्त होता है हमें लाल कलर का। कौन से कलर का भाई? लाल कलर का मृदभांड प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से ये मृदभांड होगा आपका, ये इस तरीके का मटका प्राप्त होगा। कौन से कलर का प्राप्त होगा भाई? यहां पर कौन से कलर का मटका प्राप्त होगा हमें? यहां पर जो मटका प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों, चलिए कोई नहीं, यहां से कौन से कलर का मटका प्राप्त हुआ है भाई? लाल कलर का। कौन से कलर का भाई?
लाल कलर का हमें मटका प्राप्त हुआ है। अब लाल कलर के मटके पर कौन से कलर का अंकन किया गया है? सफेद और काले कलर का। कौन से कलर का भाई? सफेद और काले कलर का अंकन किया गया है। कौन से कलर का? सफेद और काले कलर का अंकन किया गया है। ये प्यारे दोस्तों इस तरीके से लाल कलर का हमें मटका प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है भाई? लाल कलर का मटका प्राप्त हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये लाल कलर का मटका है और ये लाल कलर के मटके से हमें क्या प्राप्त होगा? ये लाल कलर का मटका प्राप्त हुआ है। इसमें कौन से कलर से चित्रांकन किया गया है? एक तो सफेद रंग से। कौन से कलर से? इस तरीके से सफेद रंग से चित्रांकन किया गया है। और दूसरी बात करें प्यारे दोस्तों, कौन से कलर से? ब्लैक कलर से, यानी कि लाल कलर से इसे चित्रांकन किया गया है। यहाँ पर कौन से रंग से चित्रांकन किया गया है? सफेद और काले रंग से चित्रांकन किया गया है। लाल कलर का मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर सफेद और काले रंग से चित्रांकन किया गया है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? ये जानकारी भी हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त होती है? ये जानकारी भी हमें जो है वो कौन सी सभ्यता से? यहाँ से प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये तो हो गया मृदभांड प्राप्त हुए, और ये और बात करें तो यहां से नेक्स्ट बात करें प्यारे दोस्तों, यहां से यहां पर जो मकान है प्यारे दोस्तों, यहां के मकान किसकी बात करें? यहां के जो मकान थे वो किससे बने हुए थे? यहां के मकान मिट्टी से बने हुए थे। किससे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे मकान। किसकी बात कर रहे हैं? यहां के मकान, मकान की बात करें तो ये मकान जो है ये किससे बने हुए थे भाई? ये कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे भाई? मकान जो है किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। मकान किससे बने हुए थे? ये कच्ची ईंटों से बने हुए थे। मकान किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, मकान किससे बने हुए थे भाई? मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और बात करें यहाँ पर नाली व्यवस्था भी देखने को मिलती। कौन सी नाली व्यवस्था भी मिली है? व्यवस्था की जानकारी भी मिली है। नाली में पता है तो कहा जाता है मकानों की नाली। किसकी? मकानों की नाली तो किससे बनी हुई थी? मकान की नाली, मकान की नाली तो किससे बनी हुई थी प्यारे दोस्तों? लकड़ी से बनाई गई थी। किससे? लकड़ी से बनाई गई थी। लकड़ी से बनी होती थी, लकड़ी से बनी थी, लकड़ी से बनी थी। ठीक है, और मुख्य सड़कों की नाली, मुख्य सड़कों की नाली, मुख्य सड़क की नाली, मुख्य सड़क की नाली, मुख्य सड़क की नाली है वो किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से। किससे? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी भाई? पक्की ईंटों से बनी हुई थी भाई। किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। अर्थात यहाँ से कच्ची और पक्की ईंटों की दोनों की जानकारी मिलती है, लेकिन जो घरों की नाली है वो लकड़ी से बनाई गई थी। ये लकड़ी में छेद करके, लकड़ी को खोखला करके ये पाइप बनाने की जानकारी भी इन्हें हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। और कहा जाता है यहाँ पर जो नाली व्यवस्था है, नाली व्यवस्था की भी हमें जानकारी मिलती है। प्रत्येक घर के, तीसरे घर के सामने से हमें इसके क्या जानकारी मिलती है? यहाँ से हमें जानकारी मिलती है किसकी? इसकी जानकारी मिलती है भाई यहाँ से कुएं की जानकारी मिलती है। और बात करें यहाँ से मोहरों की बात करें तो, मोहरों की बात करें तो प्यारे दोस्तों यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली। कौन सी? बेलनाकार, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कौन सी मोहरे मिली है? बेलनाकार मोहरे मिली। कौन सी मोहरे मिली भाई? बेलनाकार, अर्थात बेलन इस प्रकार की मोहरे प्राप्त हुई है। जो किससे? ये मेसोपोटामिया, ये किसके समान थी? मेसोपोटामिया, ये मोहरें मेसोपोटामिया सभ्यता के समान थी। अर्थात वहां पर जैसी मोहरे मिली है वैसी मोहरे हमें कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है भाई कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता से कौन सी मोहरे प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। और ये सी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कालीबंगा से हमें देखने को मिलती है। और बात करें कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। क्या? कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और इसका पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ। ठीक है,
लेकिन कहा जाता है इसका पतन किससे हुआ, इस सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का पतन पतन किससे हुआ, इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा से हुआ। किससे हुआ, प्राकृतिक आपदा से हुआ, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से हुआ। लेकिन के आर केनेडी के अनुसार, के आर के यू आर के यू आर कनेडिया 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 के अनुसार इस सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का पतन, इस सभ्यता का पतन संक्रामक संक्रामक रोग से हुआ, रोग से हुआ। किससे हुआ भाई, संक्रामक रोग से हुआ। ऐसा मानने वाले कौन है, के आर यू कनेडिया क्या मानते, के यू आर कनेडिया क्या मानते, इस सभ्यता का पतन किससे हुआ भाई, संक्रामक रोग से मानते हैं। ऐसा मानने वाले कौन है, के आर यू सॉरी आर यू के यू आर कनेडिया जो मानते हैं प्यारे दोस्तों, इस सभ्यता का पतन किससे मानते हैं, इस सभ्यता का पतन मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन किससे हुआ, कि संक्रामक रोगों के कारण हुआ। अर्थात यहाँ पर संक्रामक रोगों की जानकारी भी मिलती है, इस कारण ये कहते हैं कि इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग के कारण हुआ है। तो क्या क्या देखा प्यारे दोस्तों हमने, देखिएगा हमने सबसे पहले देखिएगा यहाँ से जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ की कालीबंगा, और कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी, लोकेशन कहाँ पर पड़ती है, हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में पड़ती है, और कौन सी नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे। इस गग्गर नदी को क्या कहते हैं, प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का, अरबी सॉरी सिंधी भाषा या पंजाबी भाषा का शब्द है, जिस शब्द का अर्थ क्या होता है, काली चूड़िया। क्या होता है भाई, इसका अर्थ काली चूड़िया होता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका उत्खनन दो बार करवाया, पहली बार उत्खनन कब करवाया भाई, 1961 में हुआ, दूसरी बार उत्खनन करवाया इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर, बीबीलाल और बीके थापर और कहा जाता है एमडी खरे और जगपति जोशी ने मिलकर ये उत्खनन का कार्य करवाया। इसके बाद हमने देखा क्या देखा, सर्वप्रथम हमें इस स्थल से किसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी जो देने वाला व्यक्ति था वो एलपी टेशेटरी था, उसने इसकी जानकारी दी। इसके बाद हमने देखा कि भाई इसके क्या क्या उपनाम देखने को मिलते हैं, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, दीनेनो की बस्ती कहते हैं, इसे साक्षर सभ्यता कहते हैं, बहुधान्यकारक कहते हैं या बहुधान्यदायक कहते हैं, या कहाँ पर कहा गया, इसे संस्कृत साहित्य में कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशवर शर्मा और पिगट महोदय ने कहा ये एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी भाई, नगरीय सभ्यता थी। इसके नगर नियोजन की बात करें, नगर दो भागों में बटा हुआ था, पहला भाग की बात करें तो पश्चिमी टीला, दूसरा भाग पूर्वी टीला। उस पर संभ्रांत वर्ग या प्रशासनिक टीला या उच्च प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था, जिसे उच्च टीला कहा जाता था, इसे निम्न टीला कहा जाता था, इसे सामान्य वर्ग निवास करते थे। यहां पर बात करें तो यह पूरा का पूरा नगर नियोजन इस प्रकार से हुआ करता था, इसमें शमशान घाट दक्षिणी की तरफ हुआ करते थे, यहां से दफनाते थे, यहां के लोगों को जलाते नहीं थे, दफनाने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहां पर पश्चिमी टीला, यहां से अग्निकुंड की जानकारी मिली, एक एक घर से सात अग्निकुंड की या सात हवन कुंड की जानकारी मिली है। इस यहां पर समकोण पर सड़क पद्धति बनी हुई थी, होती थी, और इस समकोण पर सड़क पद्धति को ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति या क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहते थे। यहाँ से हमें गेहूं जो की जानकारी मिली है तथा कपास की जानकारी भी मिलती है, इनकी खेती किया करते थे। हल की लाइनों की जानकारी मिली लेकिन हल नहीं मिला है। यहाँ दुर्ग की जानकारी मिली लेकिन दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ मंदिर की जानकारी हमें नहीं मिलती इस सभ्यता से। यहाँ परकोटे के बाहर जुते हुए खेतों का निर्माण हुआ है, अर्थात ये ऐसा नगर था जिसका चारों ओर परकोटा बना हुआ था और परकोटे के बाहर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। यहाँ पर आयताकार कब्र मिली है, आयताकार कब्र मिली है, वर्गाकार कब्र मिली है, गोलाकार कब्र मिली है, युग्म समाधि भी हमें मिली है। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात हमने देखा यहाँ कालीबंगा एक घर से सात हवन कुंड मिले, तीसरे घर से गोल कुएं मिले, हर प्रति तीसरे घर के सामने गोल कुएं बने हुए थे, जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, नाचते हुए पक्षी की मृण मूर्ति मिली है, ऊंट के पालने की जानकारी मिली है, लाल मृदभांड पर काले और सफेद रंग से चित्रित किया गया है। यहां से अलंकृत ईंटों का पर्श मिला है, क्या मिला है यहां से अलंकृत अलंकृत ईंटों ईंटों का पर्श मिला है, ठीक है। यहां से अलंकृत ईंटों का पर्श जो
फर्श बना होता है प्यारे दोस्तों, अलंकृत ईंटों की जानकारी मिलती है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, नाली व्यवस्था थी, यहाँ पर नाली लकड़ी से बनी हुई थी, घर की जो नाली है वो लकड़ी से बनी हुई थी, ये लकड़ी को कोकला करके पाइप तक बना लेते थे, और कहा जाता है मुख्य सड़क वाली जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। यहाँ पर मोरे मिली है, मोरे पे बेलनाकार मोरे प्राप्त हुई है, जो हमें मेसोपोटामिया की जानकारी देते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार या दूसरे व्यापार, दूसरे देशों में भी व्यापार किया जाता था। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और कहा जाता है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ। किससे हुआ भाई? प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप, ऐसे कोई आया होगा कोई ना कोई विप्लव, इस कारण इसका पतन हो गया। लेकिन भाई साहब के यू आर कनेडी का कनेडिया कहते हैं कि नहीं, कि इस सभ्यता का पतन तो संक्रामक रोग से हुआ है। किससे हुआ है भाई? संक्रामक रोग से हुआ है। और कहा जाता है कि इस सभ्यता के पतन के बारे में ये के आर यू कनेडिया कहते हैं कि ये संक्रामक रोग से इस सभ्यता को खत्म किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बातें करते हैं जोर से जबरदस्ती से, और मिले रहिए, जुड़े रहिए, और बराबर चैनल को शेयर करते रहिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे समझ में अब, और ये वीडियो शेयर करती रहिए जिसको जानकारी का अभाव है या किसी के पास नहीं पहुंच पा रही, उस तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। तो धन्यवाद मिलते साथियों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नमस्कार।